में ये एक ज़ेर तामीर इमारत है जिसका मिशन और मकसद सिर्फ तालीम का फ़रोग़ है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात का ज़ेर तामीर ख़वातीन कैंपस है जहाँ इलाके भर की तालिबात ज़ेवर तालीम से आरास्ता होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात में पहले से ज़ेर तालीम तालिबात अपने अलग कैंपस बनने पर खुश हैं और वाइस चांसलर की इस काविश को कदर की निगाह से देखती हैं। उनका कहना है कि अलग कैंपस का मुतालबा उनका पुराना था जो कि अब पूरा दिखाई दे रहा है। आइए तालिबात से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने वाइस चांसलर की कि जिन्होंने हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतना सोचा हमारे बारे में, और हम बहुत खुश हैं कि हमारे लिए एक प्राइवेट जगह बनाई जा रही है। और सर हमें साथ साथ हमें खुशी भी और थोड़ा वो भी है कि हमें थोड़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाए, थोड़ा हमें इन्वायरमेंट अच्छा दिया जाए, तो हम बहुत खुश होंगे अपने डिपार्टमेंट वालों से और अपने यूनिवर्सिटी वालों से। सर हमारे 70-80% इस वजह से हो जाएंगे कि हमें अपना प्राइवेट इन्वायरमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट लैब्स मिल जाएंगी, सब कुछ हमारा अपना हो जाएगा, तो वो फिर हमारे लिए सही होगा। वाइस चांसलर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे बारे में इतना कंसर्न करते हैं। वुमेन कैंपस से फीमेल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है अपनी तालीम को जारी रखने का, क्योंकि पहले जो फीमेल थी वो जाहिर है सिर्फ FSC तक ही वो अपना तालीम जारी रख सकती थी, इसके बाद वो फर्दर जो है वो लाहौर या इस्लामाबाद तक नहीं जा सकते। तो वुमेन कैंपस का यहाँ साउथ यूनिवर्सिटी में होना फीमेल के लिए बहुत बड़ा काविश है। वाइस चांसलर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उसने फीमेल के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है कि वो अपनी तालीम जो है वो हाई लेवल पर जारी रख सके। सर हम बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे लिए वुमेन कैंपस बनाया जा रहा है, और हम VC का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उसने हमारे लिए वुमेन कैंपस का इंतज़ाम किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्शीद आलम स्वात यूनिवर्सिटी में इसी प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन कैंपस है इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कंप्लीशन डेट शेड्यूल के मुताबिक जून 2025 है, लेकिन जो हमने जो एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल किए हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हसन शेर साहब के ज़ेर निगरानी, तो ये इंशाल्लाह दिसंबर 2024 तक ये पूरा कैंपस जो है ना इस्टेब्लिश हो जाएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएंगी और इंशाल्लाह दिसंबर में हम इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। इसी कैंपस में जो बिल्डिंग जिस पे काम हो रहा है ये टोटल 4 पैकेजेस है। फर्स्ट वन एकेडमिक ब्लॉक है, सेकंड इसमें जो है ना हॉस्टल है, थर्ड वन इसमें स्टूडेंट सर्विस सेंटर है, और लास्ट वन जो है इसमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स है जिसमें रोड्स है, बाउंड्री वॉल है, और इसी तरह ये इसमें वाटर सिस्टम जो है सीवरेज सिस्टम ये मौजूद है। बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ के हमारे बच्चे जो है पेशावर और इस्लामाबाद वहाँ जाया करते थे, अब वो आसानी से अपने घरों से आके यूनिवर्सिटी में आ जाती है और हॉस्टल वगैरह का इतना ज़्यादा मसला भी नहीं रहेगा, तो हम इस पर बहुत खुश हैं। आज हम भी इस सिलसिले में आए थे मथुरा जी कौमी जरगाह की तरफ से, VC साहब के साथ हॉस्टलों का और ये मसले डिस्कस कर रहे थे, तो मुश्किलात माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, तो यही इंशाल्लाह अगर माली मुश्किलात और ये हल हो गए तो पूरा बहुत सारा काम हो जाएगा। वो जारी है और वाइस चांसलर साहब है इस इलाके के, तो उसकी दिलचस्पी इस बात में है कि यूनिवर्सिटी जो तरक्की कर। यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात में आला तालीम के मुख्तलिफ मजामीन पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ख्वातीन कैंपस मुकम्मल होने के बाद सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी, तलबात और वालिदैन का दरीना ख्वाब पूरा हो जाएगा।